वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज अब हम सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड यानी कि CDSL स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे चेक करेंगे। तो CDSL स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन 1126 पे क्लोजिंग दे चुका था, 13 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी, टोटल 1.22% की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी CDSL स्टॉक के अंदर। तो देख सकते कि तकरीबन 52 वीक हाई से 35% की गिरावट देखने को मिली थी और फ्राइडे के दिन देख सकते कि 5 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला था यानी कि 584,000 का। तो देख सकते कि एक्सपेंसिव परफॉर्मर स्टॉक है क्योंकि देख सकते कि ड्यूरेबिलिटी स्कोर जो है 75 का जो कि अच्छा खासा है, पर वैल्यूएशन में बहुत सी गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले। तो CDSL स्टॉक का वैल्यूएशन गिरा हुआ दिखाई दिया है, मोमेंटम स्कोर देखा जाए तो 45 का है आउट ऑफ 100। तो CDSL स्टॉक की बात की जाए देख सकते कि तकरीबन तो चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते चार्ट यहाँ पे देखा जाए तो 1150 लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट होता हुआ नजर आ चुका है क्योंकि इस मंथ में देख सकते 2400 मूवमेंट देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर, एक तेजी भी नहीं देखने को मिली थी। पर रिसेंटली देखा जाए तो ये मंथ में चालू मंडे से देख सकते कि मंथ भी चेंज हो जाएगा तो मंथली प्यूट लेवल चेंज हो जाएगी तो मूवमेंट चेंज होने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे सकते, तो अच्छा ब्रेकआउट मिलकर एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है स्टॉक में। इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो देख सकते हैं तकरीबन इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छे अच्छे पॉइंट है, जैसे कि हाई पार्टनरशिप स्कोर है, कंपनी का फाइनेंशियल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न देने वाला स्टॉक है निफ्टी 500 में, राइजिंग नेट कैश फ्लो है कंपनी का TTM EPS ग्रोथ भी अच्छा खासा है, बुलिश हरा में बुलिश रिवर्सल यहाँ पे कैंडल फॉर्म हो चुके हैं। तो देखा जाए तो देख सकते ROC पिछले 2 साल से इम्प्रूव हो रहा है, उसी के साथ रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 2 साल से इम्प्रूव हो रहा है स्टॉक के अंदर। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे CDSL स्टॉक के लिए।